दोस्तों, क्या कभी आपने छिनचोंजी चर्च ऑफ जीसस के बारे में सुना है? छिनचोंजी चर्च ऑफ जीसस या फिर द टेम्पल ऑफ द टैबरनेकल ऑफ टेस्टमनी के नाम से भी अलग अलग जगह जाना जाता है। इस चर्च की शुरुआत साउथ कोरिया में सन 1984 में ली मैन ही ने की थी, जो कि इस चर्च के फाउंडर हैं और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन भी मानते हैं। साउथ कोरिया में की गई सन 2014 की एक सर्वे में बताया गया था कि सन 2014 में इनके साथ 1,20,000 लोग जुड़ चुके थे और सन 2020 की सर्वे में बताया गया है कि वो लोग 1,20,000 से बढ़कर अब 3,17,320 हो चुके हैं। जी हाँ, 2014 के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इनके जो एक्टिव मेंबर्स थे उनका नंबर था 1,20,000 और 2020 में वो लोग बढ़कर अब हो गए हैं 3,17,000 और ये सिर्फ साउथ कोरिया के मेंबर्स हैं और काफ़ी तेज़ी से इनका काम वहाँ पर बढ़ रहा है और अब ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनली काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है और भारत के भी बहुत सारे राज्यों में ये लोग काम कर रहे हैं। आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज करके बताया था कि आपके पास आए थे ये लोग। दिल्ली, मुंबई, पुणे, पंजाब, कोलकाता, इन जगह बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह एक झूठी शिक्षा का ग्रुप है। जी हाँ, कल्ट ग्रुप है और इनकी शिक्षाएँ बड़ी ही विचित्र और बाइबल से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं और इस वीडियो में मैं इनकी सारी हिस्ट्री ही मैन ली के बारे में, इनकी गलत शिक्षाओं को आप सबके सामने एक्सपोज करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ छिनचोंजी, इस कल्ट ग्रुप का इतिहास। ली मैन ही का जन्म सन 1931 में साउथ कोरिया में हुआ। उन्होंने सन 1967 में टैबरनेकल टेंपल नाम का एक चर्च ज्वाइन कर लिया और उसके 4 साल बाद उसे छोड़कर सन 1984 में अपने ही ग्रुप की स्थापना कर ली, जिसे आज हम छिनचोंजी कल्ट के रूप में जानते हैं। छिनचोंजी एक कोरियन शब्द है जिसका मतलब होता है न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, यानी कि नया स्वर्ग और नई पृथ्वी। और अपने पहले सेंटर की स्थापना इन्होंने की थी साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी सियोल में और उसके बाद से ही ली मैन ही ने बड़ी ही अजीब चीज़ें लोगों को सिखाना शुरू कर दिया और अपने आप को मसीहा घोषित कर दिया। चलिए अब जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ छिनचोंजी। अब जानते हैं कि इनकी क्या शिक्षाएं हैं, क्या सिखाते हैं लोगों को। दोस्तों, पहली बात, ये इस व्यक्ति ही मैन ली को यीशु मसीह का दोबारा आगमन मानते हैं। इनका मानना है कि यीशु मसीह ने जो वादा किया था दोबारा आने का, वो वादा ही ली ने पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ही ली के रूप में इस साउथ कोरियन व्यक्ति के रूप में दोबारा वापस आ चुके हैं, अब वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। दूसरी बात, बाइबल इज रिटन इन सीक्रेट मेटाफर्स एंड सिंबल्स दैट ओनली हीली कैन एक्सप्लेन। इनका मानना है कि बाइबल में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मेटाफर्स हैं, सिंबल्स हैं, ऐसे प्रकाशन हैं जिन्हें हर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ और सिर्फ ही मैनली ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरी बात, 144,000 सील्ड मैसेंजर्स विल बी सेंट बिफोर द डे ऑफ जजमेंट। 1,44,000 संदेशवाहक या संदेश देने वाले लोगों को हीली अंत के समय से पहले भेजेगा और उसके बाद दुनिया का न्याय होगा। चौथी बात, और जो लोग हीली की बात मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, वो ही लोग स्वर्ग में जाएंगे। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो ये लोग हीली को मसीहा मानते हैं कि हीली ही दुनिया का न्याय करेगा और ये ही लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार करेगा, स्वर्ग तक लेकर जाएगा। इनकी टीचिंग्स के अनुसार अब यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते, जो करना है वो सब कुछ अब सिर्फ हीली ही करेगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि साउथ कोरिया में सन 2020 के रिकॉर्ड के अनुसार इनके 3,17,320 फॉलोवर्स हो चुके हैं, 3,17,320। न्यू दिल्ली में ये लोग बाइबल क्लास देने के नाम पर, एनजीओ चलाने के नाम पर लोगों से कांटेक्ट करते हैं, लोगों के पास जाते हैं। ये अविश्वासी लोगों के पास नहीं जाते, ये सिर्फ क्रिश्चियन विश्वासियों के ही घरों में जाते हैं, उनसे ही कांटेक्ट करते हैं। एक मेंबर जो पहले इस ग्रुप में काम करता था, उसने बताया कि अभी दिल्ली में 30 से ज़्यादा लोग इनकी टीम में काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है भारत में 1,00,000 लोगों को इकट्ठा करना जो हीली को अपना मसीहा मानते हों।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये खासकर मणिपुर में भी इन्हें अच्छे खासे फॉलोवर्स मिल चुके हैं और धीरे धीरे ये अपना काम बढ़ा रहे हैं। सन 2019 में मणिपुर बैप्टिस्ट चर्च एसोसिएशन ने इनका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया था। इससे पहले सन 2016 में इंग्लैंड के कुछ भागों में भी इन्होंने काफ़ी लोगों को कन्विंस कर लिया था अपनी तरफ लोगों को ले लिया था इन्होंने, जिसके कारण चर्च ऑफ इंग्लैंड ने इनके खिलाफ नोटिस जारी किए थे और लोगों को इनसे दूर रहने की अपील की थी। इंग्लैंड में भी हीली कल्ट का बहुत ही ज़बरदस्त विरोध किया गया था। तो दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट चिंचोंजी कल्ट। आई होप कि आप इनकी टीचिंग्स, इनके फाउंडर, इनकी डॉक्ट्रिन और इनके काम करने के तरीके को ज़रूर समझ पाए होंगे। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इन फ्यूचर अगर आपको और भी ऐसे ग्रुप मिलते हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं तो आप उसके बारे में भी ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम सब मिलकर उनके बारे में जान सकें और ज़्यादा लोगों को आगाह कर सकें। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों,